जोगी आया मुन सुनिया था सामी आया और तो इस टाइम हुआ है 9:30 और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतनी जल्दी मैं उठता नहीं हूँ, आज मैं उठा हूँ बिकॉज ऑफ कल्चर डे। लिटरली रात को 5 बजे सोया था, नींद भी पूरी नहीं हुई। अभी नाश्ता वाश्ता करके तो जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। सीन अच्छे हुए तो दिखाएंगे, नहीं हुए तो डिलीट कर लेंगे फिर लोग जैसे हर बार करते हैं। ठीक है, तो स्टेट में अभी मैं होता हूँ रेडी, फिर जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रात को मतलब मेरी ओडी डेको, ओडी मेरी देखी होगी आपने। ओह माय गॉड, वाओ। नहीं देखी तो दिखा देता हूँ। ये थी मेरी बॉस गाड़ी, उसको मैंने कुछ रेडी वेडी नहीं किया, इतना टाइम ही नहीं मिला। अगली बात बोलूँ तो बजरंग भी नहीं पे। अभी बस अपनी राम प्यारी पे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। नाश्ता कर लिया बस, अभी आपको ओडी दिखाने आया था, अभी बस नहाने जाऊँगा, नहा के निकलूंगा, वाइट कपड़े पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा, सिंधी बनूंगा, फिर चलेंगे। सो ऑलराइट, बस तैयार हो के आ गए, सिंधी ड्रेसिंग नहीं की क्योंकि अजरक शार्ट हो गए थे। क्या तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बलोचों की तरह चलेंगे। तीन कुछ ऐसे हैं कि मैं इस पर जाऊँगा कासमाबाद, देन फिर वहाँ से फिर देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं। ठीक है, स्टेट रूम बाहर निकल के आ चुका हूँ और ये हमारे मॉडल की आज शूट करेंगे। मॉडल साहब हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है, हालात है। तो यहाँ पे आ गए मलमन सर, हमारे मॉडल की शूट करने। मॉडल भाई इधर आना, ये हमारा मॉडल है शहबाज अली राजपूत। शहबाज अली राजपूत, और ये राजपूतों जैसी इसने किटिंग भी की हुई है। तो अभी इसकी फोटोज भी देखना, ब्लॉग में आएंगी। प्यारा मानू प्यार भी हजार, सिंधी मानू सिंधी मानू सिंधी मानू, पदरा लखन मेला की शूट की है, आला किस्म की शूट की है मैंने। अभी जाते हैं, अभी रैली का टाइम होने वाला है, अभी बस शूट वूट करके, क्योंकि बाद में रैली के बाद ना टाइम नहीं मिलता, वो रात हो जाती है। अभी रैली में देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं, फिर आपको दिखाएंगे। ओके स्टेट, और ये हमारा मॉडल भाई को हम दे रहे हैं इजाज़त। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अभी शहबाज को छोड़ के मैं जा रहा हूँ सीधा जेम के पास, जहाँ पे कल गरीबों वाली सिविक जो है ना हमने डेकोरेट की थी। तो कुछ हैंडमेड एक शौक था आपको दिखाऊंगा। हम निकल पड़े थे अपनी राम प्यारी पे, क्योंकि ओडी ने डेकोरेट की थी ना, सर्विस करवाई थी, सारा सत्यानाश हुआ हुआ था उसका। सो अजरक जो पड़े हुए थे इधर उधर से करके हमने दूसरी गाड़ी डेकोरेट की, जहाँ पे हम जिस पे जाएंगे। शैतान का नाम है शैतान। ठीक, विशो 10:30 का टाइम दिया है, 1:30 आया हूँ लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुए। मैं उठाई अभी हूँ, अभी जाऊँगा नहाने, फिर तैयार होऊंगा, फिर चलेंगे अपन रैली में। ठीक है, तब तक आप काम जो है आपका वो करके आ जाओ। नयो साईं आयो, साईं छा हाल आहे तव्हांजो? नालो छा आहे सर? असांजो तव्हांजो नालो विसरी वियो, हसीब शेख। इहो हसीब शेख असांजो यार आयो आहे
असो शमन अली मिराली जो खास मानू आई हो असीबा तक तो लगे कल्चर डे जो है जो सकाफती ढी है यो थियन खपे या मतलब कें हिसाब से थियन खपे जो हैदराबाद से वो सही है तरीको या ना चेंजिंग अच्छा खपे छा ना छा ठोन में कल्चर थन थन गुजे सकाफत सकाफत जो दी सिंधी सकाफत न जो को यो फायर वगैरह कंदा ने यो जो को थियन खपे यो ठोन गलत शे आ इंसान अक्सो थी सके तो कि गुल लगी सके थी मगर खुले मैदान में अगर मानू करना चाहे खुले मैदान मानू करे तो वो अभी गाल रश में मानू करन ता रैली में करन ता ये गलत शे आ ये गलत शे आ सही चलो ठीक आ ताकि इंशाल्लाह आने ताकि बदरा ने जैसी ऐसा हम जवान ठीक है नहीं गाड़िया ठीक है नहीं गाड़िया बाबा जी आई हो Kırırır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kırırır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kırırır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kırırır भाई रेडियो के आगे भाई किया ले भाई ठीक हो मैं 9 बजे का टाइम दिया है मैं 1:30 बजे आया हूँ ये 2:15 बजे निकल चल हाँ तो जहीम भाई आज क्या क्या सीन है काडे काडे हलणो आ छा सीन है छा ना है बुदा भला कुछ ही ना है सीन ये तो ना कर ना यार ओ शुक्र गुजार हो रहे हैं कि आपने महफिल में 4 चांद लगाए ये मोबाइल कहाँ से लिया है भाई यार ये अभी इंपोर्ट हुआ है मेरे लिए स्पेशली अच्छा ये आईफोन वालों ने बनवाया आईफोन 12 मिनी मैक्स फिर सही है सो ये सारी बिजीज रेडी हो गई हैं हमारा स्क्वाड में चलना है तो ये हमारा एक छोटा सा स्क्वाड है ठीक है और ये हमारा मेहमान साहब सेल्फी बना रहे हैं मेहमान साहब और ये हमारा पवन गुजर साहब और दो अंदर बैठे हैं भाई क्या हाल है तो छोटा सा स्क्वाड है अभी देखेंगे चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या हाँ क्या बोल रहे थे
आज बहुत मजा आ रहा है, सब टोबू हो गए हैं, टोबू टोबू आज बहुत मजा आ रहा है। तेरी वॉइस पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही सारा स्क्वाड यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक छोटा सा स्क्वाड था हमारा। ये हमारे ड्राइवर हैं और ये गाड़ी को कपड़ा मारने वाले और ये फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर निकाल के। नहीं भाई मजाक करो, ये दोनों मेरे भाई हैं और सबको पता है यार। सिंध सोनो लतीफ सिंध में, मुझे लाल लतीफा सिंध में, मुझे सोना शरीफा सिंध में, मुझे शाह बिदाहिन सिंध में। हाँ अजक टोपी शाना या सिंध जी या पहचाना, मुझे मिजू बड़ा हूँ भाषा मत तो यार। कुछ भी कपड़ा माना गाड़ी को बेटा मेरे जी आ जाओ जी सर। सर अभी कहाँ चलना है, क्या सीन है? कुछ पता नहीं है फिलहाल तो। जी जी अच्छा, तो अभी आप उमरकोट से कब आए? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप उमरकोट से कब आए आपको बेटा? Oh!
अभी सीन कुछ ऐसे है कि अभी जा रहे हैं डिफेंस, डिफेंस में अभी मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अभी जा रहे हैं डिफेंस। डिफेंस में सीन ये है कि वहाँ पे खुद देख लेना। ये था डिफेंस, शोर से कहा ना आपने, ये था डिफेंस। यहाँ पे हो रही थी फायरिंग है, हो रही है अभी तक। सो अभी शोर इतना है, यहाँ पे देखो हमारे स्क्वाड ये अभी यहाँ पे फंसा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, आपको दिखा दो एक। Firing on fire. रात को मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, इस वजह से मैं व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाया। हर बार ऐसी मेरे साथ सीन होता है, तो इस वजह से रात को फिर सीन ये हुए थे। रात को मैं सीन बता देता हूँ क्या क्या हुआ था। जैसे रात को सीन ये हुआ था कि डिफेंस में मसले हो गए थे, इस वजह से भाग दौड़ बच के सब मतलब भागने लगे, फायरिंग वगैरह हुई थी ना, उसके बाद फिर सीन अलग सीन हो गए थे, वो मैं बता नहीं सकता। बाद फिर हम हसीब को मैंने घर पर उतारा, हसीब वो जिसको मैं ड्राइवर वगैरह बोल रहा था कि गाड़ी साफ़ कर इधर उधर, सॉरी फॉर दिस ब्रो, मजाक करता हूँ यार। और उसके बाद हम गए पे गए थे, फ्लैट पे खाना वगैरह ऑर्डर किया, वहाँ पे खाना वगैरह खाया था। देन फिर हमने बाइक पे एक और राउंड लगाया था हैदराबाद का। देन फिर हमने घर घर की थी, तकरीबन 1:30 बज गए थे। हाँ, लास्ट में होटल में चाय भी पी थी, उसके बाद घर घर की थी। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन यार मैं फिर बोलता हूँ कि यार अभी डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैं मुझसे नहीं हो पाता यार, नहीं बना सकता मैं, क्योंकि यार लेज़ी बंदा हूँ।
लेकिन अगर इस व्लॉग पे अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, दो तीन दिन के बाद आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर बस रहने दे। और ये जो लास्ट सॉन्ग मैंने बनाया था उस पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, काफ़ी अच्छे मतलब लाइक्स आए थे, व्यूज़ भी अच्छे आए थे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहें। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।